काबिल है। इन्होंने जैसे मैडम ने बताया कि 6 घंटे के अंदर ये लड़कियों ने जो इतना बढ़िया काम कर दिया, इतना बढ़िया रैंप वॉक किया। मैंने देखा कि कोई सेकेंड स्टैंडर्ड पास है, कोई 12th पास है, कोई ग्रेजुएट भी है। अच्छा है, इन लोग को वुमन एम्पावर के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। ऐसे रेगुलर ये सारा होना चाहिए। वुमन एम्पावर जैसे मिस्टर एंड मिसेस सब ये होता है, वो वुमन एम्पावर के लिए इनको रेगुलर फिल्मों का ही नहीं, हर किसी को अपने तरीके से कुछ ना कुछ करना चाहिए वुमन एम्पावर के लिए। और मैं कांग्रेस सब लड़कियों को बताऊंगा कि बाकी में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है शॉर्ट पीरियड में, इतना शॉर्ट नोटिस में फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, लेकिन बट अप टू मार्क इन्होंने सब अच्छा। कांग्रेस मैम, आप फिल्मोरा को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगी और जो आज विजेता हैं उनको क्या शुभकामनाएं देंगी आपकी तरफ से? मैं शुभकामना ये दूंगी कि उन्होंने वुमन को कंप्लीट किया है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और वुमन एम्पावरमेंट ये दिखाई देता है कि वुमन इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू सर। अखिलेश जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं बहुत मेहनत भरा काम किया उन्होंने, महीनों लग करके तब जाके सफल पुलिस काम, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली ये जो काम है ये एक पूरा टीम वर्क होता है, अकेले के बस की बात नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने किया है, जितना भी किया है शॉर्ट नोटिस के अंदर में, काबिले तारीफ है। एंड आई रियली विश हिम गुड लक फॉर ऑल हिज फ्यूचर एंडेवर्स, आगे भी चल करके और अच्छा काम करें, हम उनके साथ और भी जुड़ेंगे आने वाले सीजन। मैम, आपके सर पे ताज बंधा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? जितनी खुशी आपको हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे आकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? खुशी का तो नामो निशान नहीं है पहली बात, लेकिन जो मौका हमें अखिलेश जी और श्री मैम से मिला है वो शायद और कोई नहीं देगा। ऐसे ही जो हमारे जैसे वो और कोई आएंगे और ये लोग और आगे उनको बढ़ाएंगे। आपके सर पे ताज बनना है तो क्या कहना चाहेंगी? कितना प्राउड हो रहा है आपको? सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अखिलेश जी को, शुभ मैम को मुझे ये चांस देने के लिए, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था जो मैंने रैंप वॉक किया और मैं ये इवेंट करने के बाद मैं और कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ उनको। और मुझे इस इवेंट से एक पड़ाव मिला कि मैं आगे बढ़कर और कॉन्फिडेंटली फ्यूचर में बढ़ सकती हूँ आगे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और हम लोग ने ये 6 आवर का ट्रेनिंग किया था और फर्स्ट टाइम मैं ये कर रही थी, जो भी मैं यहाँ पर रैंप वॉक की सब इन्होंने ही मुझे सिखाया, तो मैं ये करने के बाद सच में बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मैंने सोचा भी नहीं था मैं यहाँ पे आके मैं रैम करूँगी। अखिलेश जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, मैं सोचा ही नहीं था कि मैं जीत सकती हूँ। तारीफ कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनका कहना आपने बहुत मेहनत किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो इन्होंने, मैं शुभ मल्होत्रा जैसे सब जानते हैं, ये कोरियोग्राफी और फैशन वॉक रैंप वॉक काफ़ी कुछ करती हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है इन बच्चों से काम करने के साथ कि ये जो रॉ आती है इन्हें कुछ नहीं मालूम होता और इनको ये जो तराशना मेरी एक, आई थिंक इट इज़ माय पैशन, मेरा पैशन है नॉट थिंक, और विद पैशन ओनली इज़ द रिज़ल्ट जो आप लोगों ने देखा। और ये बच्चियाँ भी इतना, इनकी जो सीखने का जज्बा है वो देख के, तो हमने जैसे 6 घंटे में जो आपने देखा ये किया है, बट एज अ गुरु मैं बहुत खुश हूँ आज कि इन्होंने अपना फैशन का जलवा और स्टाइल का जलवा इस रैंप पे दिखाया आप सबको। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अखिलेश जी का, उन्होंने मुझे बस आई थिंक एक दिन पहले फ़ोन किया, मैम आप बॉम्बे में हो, आप ये करना है हमें, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी, मैं लड़की अब बिल्कुल रॉ है, मैंने कोई बात नहीं, और भी अच्छी बात है। सो आप लोग, ऑल द गर्ल्स, ऑल द कंटेस्टेंट्स, ऑल द विनर्स, माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल एंड वंस अगेन थैंक यू अखिलेश जी फॉर दिस प्लेटफॉर्म एंड आई विश ऑल माय गर्ल्स, माय बेबीज टू यू नो ऑल द वेरी बेस्ट, कि आगे और ज़िंदगी में अपने आप को तराशती जाएं और आगे बढ़ती जाएं, और आप सबका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे पहले मैं थैंक यू करना मीडिया का, आप लोग के बगैर हम कुछ नहीं है, आज जो भी है हम आप लोगों की वजह से है। थैंक यू वंस अगेन।
मैम आप क्या कहना चाहोगी, तमाम फैशन शो होते हैं आज के दौर में और तमाम बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, कहीं ना कहीं शोषण भी किया जाता है, लेकिन अखिलेश जी की तरफ से एक अनोखा पहल किया गया है, बिल्कुल साफ सुथरा एक संदेश भी दिया जा रहा है लोगों में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर पूजा माथुर, और अखिलेश जी ने मुझे इनवाइट किया है, और इसके पहले भी जो फैशन शो हुआ था उसमें भी मैं जूरी में थी, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। जैसे कि मैंने कहा कि पॉलिश लड़कियाँ होती हैं वो तो सभी देखते हैं, लेकिन इन्होंने कोशिश की है कि रॉ लड़कियाँ हैं उनको लाते हैं, अपनी तरह से तराशते हैं और बहुत अच्छे से उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और इतना पॉजिटिविटी फील हुआ मुझे इस शो में आके, ऐसा लगा कि मैं कोई बहुत बड़ा शो देख रही हूँ, ऐसा लगा, इतना कॉन्फिडेंस था। तो ये कॉन्फिडेंस सिर्फ फीस से नहीं आ रहा है, मतलब इन्होंने जो अपनी पॉजिटिविटी रखी है, इन्होंने जो अपना कॉन्फिडेंस रखा है सब लोग के ऊपर, इसके साथ मिलके ही इतना अच्छा सा जो इवेंट है वो क्रिएट हुआ, और मैं इसके लिए अखिलेश जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पर कहीं से भी कोई भी लड़की जो रॉ भी है वो भी आ सकती है इसमें। आई थिंक शायद इन्होंने मुझे बोला भी था कि पूजा जी हमारा ये इवेंट है, इसमें हम लोग ऐसे लोगों को चांस दे रहे हैं जिनके पास पैसे हैं आगे जाने के लिए ना कुछ करने के लिए, तो इन ऐसे लोगों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मुझे इन्होंने पार्ट बनाया अपने इवेंट का, थैंक यू सो मच। मैम आपसे मेरा सवाल है, एज ए जज कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनमें से किसी किसी को जो है उसमें विजेता बनाना, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? Okay, I'm Dr. Suraina Malhotra. I'm the district president of Nationalist Congress Party and I'm a medical doctor. First of all, Akhilesh ji ko thank you kehna chahungi ke aise platform wo ye jo ladies hai inke liye, young girls hai unke liye ye platform la rahe hai samne, aur this is my second time to be a judge and bahut hi acha matlab wo platform laate hain aur wahan pe matlab kuch charge bhi nahi karte, it is all given free and unko bahut inke jaise acche acche trainers train karte hain, फैशन डिजाइनिंग का मतलब उनको सेंस सिखाया जाता है, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, एंड मतलब यहाँ से उनकी पर्सनैलिटी उभर आती है। ये एज अ डॉक्टर आई वुड से दैट पॉजिटिविटी एंड द कॉन्फिडेंस एट दिस स्टेज, जो मतलब जो टीनेजर या जो थोड़ा आगे जो यंग गर्ल्स है उनको कॉन्फिडेंट देना बहुत बहुत ज़रूरी है, एंड एज यू सेड करेक्टली कि जज करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब इट इज़ नॉट ओनली द ब्यूटी, द एक्सटर्नल ब्यूटी, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि वॉट एवर मतलब हाउ इज़ देयर माइंड, वो सॉर्ट ऑफ कैसे प्रॉम्प्टली कुछ आंसर दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे, मतलब थोड़ा बहुत उनको जो आज चल रहा है उसके बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं, ये भी हम सब चीज़ें टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको एकदम डिटेल में कुछ मालूमात होना चाहिए, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड इज समथिंग जो आजकल के ज़माने में रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं, प्लस उनका कॉन्फिडेंस। मुझे तो मतलब आई वुड से कि 50% मार्क्स मैं किसी को दे दूँ कि कोई ब्यूटिफुल स्माइल रखे, क्योंकि कॉन्फिडेंट रखे कि आजकल स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ डॉक्टर पर्सन स्माइल एंडोर्फिन्स गेट रिलीज्ड और दैट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन अ पर्सन, सो ये सब चीज़ें ध्यान रखे। बहुत डिफिकल्ट था, किसी ने आंसर्स अच्छे दिए, किसी का स्माइल अच्छा था, किसी की वॉक अच्छी थी, किसी का ड्रेस अच्छा था, सो अल्टीमेटली मतलब वी गेव सब मतलब सबको ही मतलब हम लोग ने मिलजुल को सबको ही दे दिया, सो आई होप अखिलेश जी ऐसी प्लेटफॉर्म्स सबके लिए लाते रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, मम्मी भी किसी की लग रही है, किसी की बीवी भी है, एक लेडी भी बना कर रही है, तो आपके सर पे जो ताज बना है तो कितना प्राउड आपको फील हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या मुश्किलें आपको झेलनी पड़ी, क्या समझना चाहिए? यहाँ तक पहुँचने के लिए तो सच में आज सबसे पहले धन्यवाद मैं अपने भगवान से करूँगी, और उसके बाद हमारे जो कहते हैं कि इस लाइन में आने के लिए बहुत किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए एक गॉडफादर की ज़रूरत है, और हमारा गॉडफादर हमारा फैमिली है, फैमिली बोले तो मेरा पति और मेरा बच्चा। उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए भी गुरु चाहिए, जो हमारे अखिलेश जी ने मुझे आज मैं 50 साल की एज में आकर पहली बार मैं हिल पहनूंगी और ये ड्रेस में आऊंगी, जो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और कहूंगी कि कोई एज और कोई भी बाधा नहीं हो सकता। अगर कहते ना हम होंगे कामयाब अगर मन में है विश्वास, तो सच में मन में विश्वास और लक्ष्य अगर है तो हम हर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सराहना भी की, और सिर्फ मुंबई नहीं मुंबई के बाहर से भी लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी हो रही है, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अशोक मल्होत्रा जी का,
जिन्होंने फर्स्ट डे मैं इनके सामने लेके गया प्रोजेक्ट, तो इन्होंने बिना हिचकिचाए, क्योंकि प्रोजेक्ट ही ऐसा था कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए और ख़ास करके वैलेंटाइन डे पर। और हम जब इनके पास रखे प्रपोजल, तो जब ये सारे स्टेट से लड़कियाँ आई थी, आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरी पास लड़की हमारे पास है आज वो, और उसको स्टेज पे चल के बहुत अच्छा लगा। इसके पहले आपने ये सुना होगा कि 50 साल हो गया, कभी उन्होंने ज़िंदगी पर मैं रैंप पर नहीं उतरी। ख्वाहिश तो हर किसी के अंदर होती है, छुपा होता है कहीं ना कहीं, वो चीज़ छुपा होता है, लेकिन फिल्मोरा एंटरटेनमेंट और फिल्मोरा मिस एंड मिसेस ने इन लोगों को ब्रेक दिया, इनको एक प्लेटफॉर्म दिया, और आज हम एक सक्सेस, पूरी टीम है, हमारी इंटायर टीम है, जिसको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, सुभाष जी फ्लैश एडवर्टाइज, जिन्होंने मेरे साथ फर्स्ट डे से रहे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले। गौरांग जी नायक है, उन्होंने भी स्पॉन्सर के तौर पे हमारे साथ रहे, और DSA बॉलीवुड हमारे साथ रहा, सुरेश नाइट लाइफ चांद सेठ जी हमारे स्पॉन्सर रहे। सब मैं अपने सभी स्पॉन्सरों का, सभी सपोर्टरों का, और सभी अपने विनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उनके बगैर अफोर्ट के, उनके बगैर उसके, हम आज इस मुकाम पर नहीं पहुँचते। आज बहुत खुश हूँ, बहुत सक्सेस हुआ हमारा, इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब भी सपोर्ट करें, प्रचार प्रसार करें, ताकि ऐसे महिलाओं को प्लेटफॉर्म मिले, आगे चल के उनको भी मौका मिले कि वो भी कुछ मुकाम हासिल कर सकें। अगले डेफिनेटली जैसे जैसे अब देखिए, आप लोगों ने फर्स्ट डे से जुड़े हो, एक छोटे से जगह पे पहला सीजन जो था हमारा, वो छोटे से सीजन पे था, आज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, आने वाले दिनों में और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, 5-star होटल में होगा। और सबसे बेस्ट मेरा बड़ा छोटे के ये नहीं है, हम लोगों को महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, खास करके देखो आज मिस एंड मिसेज ही रखा था कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा है ना, तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा देश के कोने कोने से ला के उनको बढ़ावा देना। अगर कोई एक भी हमारे प्रयास से अगर कोई सक्सेस हो जाता है अपने ज़िंदगी में, तो मेरा जो जो सोच है वो सफल हो जाएगा। पुरुषों को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ करने वाले हैं? पुरुषों को बढ़ावा देने के लिए, पुरुष तो मैं खुद हूँ, मेरे को कोई नहीं पूछा है, मैं क्या लोग करूँगा। जरूर के स्कूल के एग्जाम्स के बाद में करने का सोच रहे हैं, किड्स फैशन शो 2020, वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा, और उसके अंदर में हम लोग के अभी ऑडिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बॉम्बे, पूना, गोवा, फिर धीरे धीरे करके इसको और जगह पे कर रहे हैं। डेट्स वगैरह हम लोग बहुत जल्दी फाइनल करके आपको अनाउंस कर देंगे। तो इनके साथ ही मैं जुड़ा हूँ, तो वो भी प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत शॉर्टली होगा, अप्रैल 2nd वीक के बाद, एग्जाम्स के बाद में रखने का सोच रहे हैं। मैं डेफिनेटली कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मेरा भी फर्ज बनता है उनको सपोर्ट करूंगा, जो भी हो सकेगा हम लोग मिलजुल के और बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, लोगों को प्लेटफॉर्म देंगे, लोगों को टैलेंट को निखारेंगे, और लोगों को बढ़ावा देने का हमने फर्स्ट डे से प्लान किया हुआ है, और हम लोग टीम वर्क है। थैंक यू सो मच।